लॉन्ग साइड पे क्लियर कट निफ्टी बैंक के अंदर जा सकते हैं। राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स तेजी की तरफ ही होंगी आई गेस, और कौन कौन सी? तो बिल्कुल देखिए तेजी की तरफ है, और जो पहला स्टॉक हम यहाँ सजेस्ट करेंगे वो रहेगा अडानी इंटरप्राइजेस। आज अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइज दोनों में एक अच्छा एक्शन देखने को, और जिस तरीके से अडानी इंटरप्राइज में सेटअप बना है, हमें लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा मूव यहाँ से अगले एक से दो ट्रेडिंग सेशन में दिखाते हुए दिख सकता है। स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकआउट भी किया, तो 1777 हम दिसंबर के फ्यूचर पे बाय करने की सलाह देंगे, तो 1775 के आसपास अभी नेक्स्ट सीरीज का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है दिसंबर सीरीज का, इसमें बाय पोजीशन बनाए। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 1745 का, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है अडानी इंटरप्राइज में जो आ सकते हैं वो आना चाहिए करीब 1830 से 1840 के। तो पहला स्टॉक होगा अडानी इंटरप्राइज, दिसंबर फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे वो रहेगा टाटा पावर का। टाटा पावर का सेटअप देखें तो स्टॉक में कल एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब कंटिन्यूसली ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो टाटा पावर फ्यूचर दिसंबर बाय करना है, 245 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 241 का, और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 253 से लेके 255 तक के, ये ट्रेडिंग टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तीसरा स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से रहेगा, और उसमें कोटक बैंक का सेटअप हमें अच्छा लग रहा है। कोटक बैंक अभी जिस हिसाब से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में जैसे हम बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं, तो कोटक बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आते हुए दिखेगा। कोटक बैंक दिसंबर फ्यूचर 2017 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ये बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1985 का, और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक से दो ट्रेडिंग सेशन में वो आना चाहिए करीब 2060 से लेके 2080 तक के। तो कोटक बैंक, अडानी इंटरप्राइजेस और टाटा पावर, ये तीन स्टॉक्स पे हम बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक तेजी की तरफ, वो तीनों में ही आप दिसंबर फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, ये आप ध्यान रखें। अदानी के लिए 1775 दिसंबर का फ्यूचर का भाव चल रहा है, वहां पर आप खरीदारी करें, 1830 का टारगेट रहेगा, और करीब करीब 1745 जो भाव अभी आप देख रहे हैं वो नवंबर फ्यूचर का है, लेकिन दिसंबर फ्यूचर करीब करीब 1775 के लेवल्स पे कामकाज कर रहे हैं। टाटा पावर 241 के जोन में कामकाज करता हुआ, 241 एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना हो, 245 के जोन में कामकाज करता हुआ, 253-255 रुपए का टारगेट यहां पर भी आपको मेंटेन करना होगा, ये भी दिसंबर का फ्यूचर रहेगा। और तीसरा कोटक 2017 के जोन में कामकाज कर रहा है दिसंबर का फ्यूचर, करीब करीब 2060-2080 ये टारगेट्स रहेंगे, और 1985 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तीनों ही दिसंबर फ्यूचर में आपको खरीदारी कर चलने की राय राजेश जी दे रहे हैं। अच्छा, अब कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बातचीत करते हैं। राजेश जी, पहले नाम तो आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, वापस 930, 928, 925 के जोन से पुल बैक और 950 पार करता हुआ, दोबारा 1000 के जोन से आएंगे? बिल्कुल सुमित जी, मैंने ये स्टॉक भी अपनी लिस्ट में रखा था, लेकिन मैंने ये स्टॉक को यहाँ इस अभी यहाँ पे सेगमेंट में रिकमेंड नहीं किया। बिल्कुल हमारा पोजिशनल कॉल है, हमने अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन दी हुई है मैकडोवेल पे, यूनाइटेड स्प्रिट पे, और हम मान के चल रहे हैं 1020 से 1040 तक के टारगेट इसमें नेक्स्ट सीरीज में दिसंबर सीरीज में बिल्कुल आते हुए दिखेंगे। तो इस पे बाय पोजीशन ही बनाना है, 952 के आसपास दिसंबर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 920 का, टारगेट होंगे 1020 से 1040 तक के। तो बिल्कुल हम मान के चल रहे हैं जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनी हुई है, ये स्टॉक दिसंबर सीरीज में 1000 के ऊपर क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो 1000 के ऊपर दिसंबर सीरीज में ये स्टॉक जा सकता है। एक नाम और देखिए, आज बैंकिंग में तेजी है, तो फेडरल बैंक यहां पर कुछ नए लॉन्ग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और बैंकिंग में ही या एनबीएफसी स्पेस में M&M फाइनेंशियल शॉर्ट कवरिंग यहां पर भी है, क्या करें दोनों में? तो बिल्कुल देखिए, फेडरल बैंक में देखें तो एग्जैक्टली स्टॉक ने 50-डे मूविंग एवरेज से यहाँ पे एक सपोर्ट लेके रिवर्सल दिया है। फेडरल बैंक का सेटअप देखें अगर नियर टर्म चार्ट के हिसाब से, तो उसमें 92 यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 92 के स्टॉप लॉस से एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल लिया जा सकता है 96-97 के टारगेट के लिए। तो ये स्टॉक पे बिल्कुल बाय की ही सलाह रहेगी, जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि M&M फाइनेंशियल में, लेकिन हालांकि अगर सेटअप देखें तो थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर है अभी, यहाँ पे जब तक 175-177 का लेवल क्रॉस नहीं हो तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो M&M फाइनेंशियल यहाँ पे अवॉइड करें, अभी लॉन्ग ना करें, 75-77 क्रॉस करें तब यहाँ पे बाय का ट्रेड बिल्कुल बनते हुए दिखेगा, लेकिन फेडरल बैंक में बाय करने की सलाह रहेगी। तो फेडरल बैंक लॉन्ग साइड पर रहेंगे, M&M को भी आप अवॉइड करें, वहां पर अभी एटलीस्ट पोजीशन ना बनाएं। अच्छा राजेश जी, ये एक और चीज थी, कल शाम को एक नया अपडेट और आया था उस एबी की तरफ से, जो कि मार्जिन के नियमों को उन्होंने होल्ड कर दिया है फरवरी तक के लिए,
क्योंकि आपको तो बहुत सारे क्लाइंट्स के कॉल आते होंगे मार्जिन को लेकर, बहुत सारे क्वेरीज भी आपने मिली होंगी आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किस तरह का रिएक्शन है मार्केट में, कैसे देख रहे हैं इसको डीलर्स और ब्रोकर्स और बाकी जितना भी तबका ट्रेडिंग का? सो देखिए, बहुत रिलीफ मिला है इमीडिएट बेसिस पे, स्पेशली डेरिवेटिव ट्रेडर्स को जो कोलेट्रल में अपने सिक्योरिटीज रख के जहाँ पे मार्जिन लेके उस पर ट्रेड करते, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता तो यहाँ पे सिस्टम में कम से कम 30 से 40% का कैश डिप्लॉयमेंट करना पड़ता जो सारे ट्रेडर्स को, या अपनी पोजिशन को ट्रिम डाउन करना पड़ता। तो ये जो एक रिलीफ मिला है जरूर, यहाँ से एक जो डेट एक्सटेंशन मिला है तो कहीं ना कहीं उसका भी एक इम्पैक्ट है कि जो एक स्ट्रेटेजी बनी हुई थी कि कहीं ना कहीं पोजीशन ट्रिम डाउन करना है, वो अभी होल्ड पे है और मार्केट वापस से एक बाउंस भी उसके चलते दे रहा है। तो हमें लगता है कि एक अच्छा रिलीफ मिला है अभी टाइम बींग के लिए, तो मार्केट को एक टाइम मिलेगा अपने नया यहाँ पे स्ट्रेटेजीज और F&O में अपनी जो पोजीशन जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स को लेनी है उनके लिए। अभी 1-2 महीने का जो एक्सटेंशन मिला है उससे एक काफ़ी रिलीफ बिल्कुल मिला है। चलिए, तो एक बड़ा ट्रिगर बनकर आया रादर ये कल शाम को, स्पेशली F&O ट्रेडर्स के लिए, जो कि राजेश जी आपको बता भी रहे थे, उसका इम्पैक्ट भी है मार्केट में कुछ हद तक, एक टेलविंड के तौर पे काम काज कर रहा है। अच्छा, 2-3 स्टॉक पे और नजर डाली आपने, अदानी की बात की, अदानी इंटरप्राइजेस की, वही अदानी पोर्ट और देखिए आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है ये स्टॉक, और दूसरा चंबल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर भी कुछ नए लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छा हुआ एडिशन है, क्या करें इन दोनों में? बिल्कुल, अडानी पोर्ट में भी लॉन्ग का ट्रेड बिल्कुल यहाँ से लिया जा सकता है। स्टॉक में एक प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है चार्ट पे, और जिस तरीके से आज एक्शन है, प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट जिस तरीके से ऐड हुए हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में 800 तक की अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। तो जिन्होंने भी पोजिशन लिया है या अब यहाँ पे बाय कर रहे हैं, 758 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे अडानी पोर्ट में, बिल्कुल यहाँ से बाय की पोजिशन हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। सेकेंड स्टॉक सुमित जी आपका चंबल फर्टिलाइजर, तो चंबल फर्टिलाइजर का सेटअप भी देखें तो इसमें एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन की एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और स्टॉक ऑलरेडी एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है अगर इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखें तो। अब ये ब्रेकआउट सजेस्ट करता है कि स्टॉक को यहाँ से 380 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, अपसाइड के टारगेट 395 से 405 तक के आते हुए दिख सकते हैं, तो चंबल बिल्कुल बाय किया जा सकता है, मैं आप खरीदारी कर सकते हैं, तेजी में भी है 5% के आसपास की तेजी इंडेक्स के, मतलब जो F&O के टॉप गेनर्स हैं उसमें इसका भी नाम शुमार है, एक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है अदानी पोर्ट भी और चंबल फर्टिलाइजर भी। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम राजेश जी से बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर भी, लेकिन जाने से पहले 2-3 स्टॉक देख लीजिए जो कि हाल की लिस्टिंग है। पेटीएम दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता हुआ वापस 1,05,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप पहुंच चुकी है, 1700 के ऊपर 14% की तेजी यहां देखने को मिल रही है, 28% 2 दिनों के दौरान ये स्टॉक चल चुका है। इसके अलावा आप लेकर आइए सफायर फूड, गाची, नाइका, ये वो कंपनीज है जो कि हाल में ही लिस्ट हुई हैं और सब में ही एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पीबी फिनटेक 7% ऊपर, फिनो पेमेंट बैंक 10% ऊपर कामकाज करते हुए, और बाकी लेटेंट व्यू वो भी करीब करीब 10% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेटेंट व्यू इनफैक्ट 16% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ, नायका 8% ऊपर। तो पूरे ही जो रिसेंट लिस्टिंग थी सब में एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सभी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास फिलहाल कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, राजेश जी मौजूद हैं, सस्ता ऑप्शन उनसे पूछेंगे और कुछ स्टॉक्स भी उन पर चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।